बोमला मच्छी फ्राई करने के लिए मैं ली हूँ बोमला मच्छी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और नींबू जिसको मैंने पतला सा स्लाइस करके रखी हूँ, और रबा, और फ्राई करने के लिए हम लेंगे तेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बोमला मच्छी में सारे रखे हुए मसालों को ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम नींबू निचोड़ देंगे, हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। मैं उसको अच्छे से मिला दी हूँ, अब हम उसको साइड करके रख देंगे। मैंने गैस ऑन करके तवा बिठा दी हूँ, तवा जब गर्म हो जाएगा उसके ऊपर हम, हमारा तवा गर्म हो चुका, अब हम उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। अब तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम बोमला मच्छी लेंगे और रबा में, और उसके ऊपर थोड़ा हम रबा लगा के उसको तवे के ऊपर ऐसा रखेंगे, और गैस के आंच को हम मीडियम पर रखेंगे। तो ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, अब हम उसको पलटाएंगे। हम उसको दूसरे तरफ से फिर से पलटा देंगे। दो मिनट के बाद ये हमारा हो जाएगा, हमारा हो गया है। अब हम उसको प्लेट में निकालेंगे, उसको गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा ओनियन, हमारा रेडी है। आप उसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं।